क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोल रहा है, देखो ये देर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, मतलब आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स फील्ड है इसके चारों तरफ क्या है, के पास एक सर्कुलर पाथ है। रमन टेक 18 मिनट टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ। रमन जो है इसका एक राउंड कंप्लीट करने में क्या कर रहा है, 18 मिनट ले रहा है। कितने मिनट ले रहा है, 18 मिनट ले रहा है, ठीक है। व्हाइल अनुप्रिया टेक 12 मिनट फॉर द सेम, और इसी इसका एक राउंड कंप्लीट करने में अनुप्रिया जो है वो क्या कर रही है, 12 मिनट ले रही है। कितने मिनट ले रही है, 12 मिनट ले रही है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट, दोनों ने क्या करा है एक ही पॉइंट से रनिंग करना स्टार्ट किया है, ठीक है ना, एंड एट द सेम टाइम, और दोनों ने एक ही टाइम पर भागना स्टार्ट किया है। जैसे अगर रमन ने जैसे 9 बजे अगर स्टार्ट किया था तो अनुप्रिया ने भी क्या करा है, 9 बजे ही आपका रनिंग करना स्टार्ट किया है, एंड गो इन सेम डायरेक्शन, और दोनों क्या कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ये बोल रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों कितने मिनट के बाद ठीक है ना इस पॉइंट पर वापस मिलेंगे। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुप्रिया की, या पहले बात करते हैं हम लोग रमन की बात करते हैं। देखो रमन की बात करते हैं पहले, रमन इसके वही राउंड काटना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो जब उसने पहला राउंड काटा इसका, कंप्लीट करा इसका, तो उसे कितने मिनट लग गए, 18 मिनट लग गए, ठीक है। अगर वापस सेकेंड राउंड काटेगा तो कितना मिनट लग जाएंगे उसे, 36 मिनट लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे, 36 मिनट। अगर ऐसे थर्ड राउंड काटेगा इसका, ठीक है, तो कितना हो जाएगा टाइम, 54 हो जाएगा, ठीक है ना। फोर राउंड कंप्लीट करेगा तो उसे कितने मिनट हो जाएंगे, 72 मिनट हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसी बात करते हैं हम लोग अब अनुप्रिया की, किसकी बात करें हम लोग, अनुप्रिया की बात करते हैं। अनुप्रिया जो है जब पहला राउंड कंप्लीट कर रही है तो उसे कितने मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट लग रहे हैं। कितने मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट लग रहे हैं। सेकेंड राउंड कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लग जाएगा, 24 मिनट लग जाएंगे। थर्ड राउंड कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लगेगा, 36 मिनट लग जाएंगे। फोर्थ राउंड कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लग जाएगा, 48 मिनट लग जाएंगे। तो देखो इधर जैसे हमने देखा कि दोनों के अंदर जो कॉमन नंबर आ रहा है वो क्या रहा है, के पास 36 आ रहा है। क्या रहा है के पास, 36। तो 36 की बात करें अगर हम लोग, तो 36 मिनट के बाद दोनों क्या होंगे, आपस में मिल जाएंगे। देखो कैसे, जब रमन ने पहला राउंड कंप्लीट करा था तो उसे लगे थे 18 मिनट, ठीक है, यहां पहुंच गया। सेकेंड राउंड में कितना हो गया, 36 मिनट, तो रमन यहां पर पहले से ही आ चुका है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम अनुप्रिया की, अनुप्रिया ने पहला राउंड कंप्लीट करा तो उसे कितने मिनट लग गए, 12 मिनट। सेकेंड राउंड कंप्लीट करा तो उसे कितने हो गए, 24 मिनट। और थर्ड राउंड कंप्लीट करा तो कितने हो गए, 36 मिनट। तो अनुप्रिया भी जैसे ही 36 मिनट होंगे तो अनुप्रिया भी यहां पर मिल जाएगी। तो आप लोग बोल सकते हो दोनों 36 मिनट के बाद में है ना मिल रहे हैं एट स्टार्टिंग पॉइंट। कहां पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर। हमें इस तरह से नहीं करना है क्वेश्चन को, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा है क्वेश्चन को, ठीक है ना। हमें क्या करना है, इन दोनों नंबरों का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। क्या करना है आपको, एलसीएम निकालना है ऑफ 18 एंड 12। हम क्या करेंगे, 18 और 12 दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखो हम सबसे पहले 18 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 का डिवाइड लगाया 9, 3 का डिवाइड लगाया 3, 3 का डिवाइड लगाया 1। ऐसे हम 12 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 का डिवाइड लगाया 6, 2 का डिवाइड लगाया 3, 3 का डिवाइड लगाया 1। तो देखो हम 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब क्या था, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर। देखो कौन कौन से प्राइम नंबर यूज में आ रहे हैं, यहाँ पर 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। अब इनकी क्या लेना है, मेरे को हाईएस्ट पावर लेना है। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। ये कितना हो गया देखो, 4 इंटू 9, 9 4 जा कितना हो गया, 36 मिनट। तो आप क्या बोलोगे, दे मीट अगेन एट है ना, एट स्टार्टिंग पॉइंट है ना, इन 36 मिनट है ना। ये क्या कहेंगे, 36 मिनट के बाद में दोनों मिल जाएंगे।